दिल्ली मेट्रो के मोबाइल ऐप से जरूरत की चीजें ऑनलाइन सामान खरीदने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद अब डीएमआरसी बाजार में भी अपने ब्रांड नाम से उत्पाद करने की तैयारी में है। आपको बता दें, डीएमआरसी ने कारोबारी और निजी फर्म से अभिरुचि प्रस्ताव मांगा है, इसलिए इच्छुक कारोबार और कंपनियां डीएमआरसी को आवेदन दे सकते हैं। डीएमआरसी की इस योजना में यदि कारोबारी और निजी फर्म दिलचस्पी दिखाएंगे तो बाजार में डीएमआरसी ब्रांड के कपड़े और सहायक सामान सहित कई तरह के आपको उत्पाद देखने को मिल सकते हैं। डीएमआरसी का कहना है कि अभिरुचि प्रस्ताव देने वाली निजी फर्म के साथ एक समझौता किया जाएगा, इसके तहत उन्हें डीएमआरसी ब्रांड से उत्पाद बनाने और बेचने की स्वीकृति होगी। डीएमआरसी को इससे उम्मीद है कि इससे मेट्रो का राजस्व बढ़ेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेट्रो में प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं। डीएमआरसी मेट्रो की इस लोकप्रियता का लाभ उठाकर ऐसे ब्रांडेड उत्पाद लाने की कोशिश में जुटा है जो लोगों को पसंद आए। डीएमआरसी का कहना है, इससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे डीएमआरसी और ब्रांड्स का प्रमोशन होगा। दिल्ली मेट्रो के आय का मुख्य स्रोत यात्रियों का किराया है। किराए के अलावा डीएमआरसी विभिन्न शहरों में मेट्रो विस्तृत परियोजनाओं में कंसल्टेंसी सेवाएं, संपत्ति विकास, मेट्रो स्टेशनों पर लगे स्टॉल और अन्य कई माध्यमों से राजस्व इकट्ठा करता है। डीएमआरसी अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कई अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। आपको बता दें, ताकि यात्रियों पर ज्यादा किराए का बोझ न बढ़े, इसलिए डीएमआरसी एक नई पहल और नई कोशिश करने की तैयारी कर रहा है।